नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार के दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बाढ़ व आपदाओं के विषय पर संवाददाताओं से रूबरू हुए। वही कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों से कहा कि मास्क पहनना अनिवार्य है। बिहार के दरभंगा के लहरियासराय स्थित अंबेडकर भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बाढ़ व आपदाओं के संबंधित विषय पर संवाददाताओं से रूबरू हुए। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बाढ़ से संबंधित विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ को देखते हुए आपदा विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस बार मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश होने के साथ साथ नेपाल के द्वारा पानी छोड़ देने की बात कही गई है। इससे पूर्व प्रशासन की ओर से तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कड़े रुख अपनाए गए हैं। मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं पहनने वाले लोगों और दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और साइन किया जा रहा है। वही दुकानदारों को बिना मास्क पाए जाने पर 3 दिन दुकान को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। त्यागराजन ने बताया कि मेलानों और शादी विवाह के आयोजनों में भी विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क का उपयोग सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग करना होगा। वही कम संख्या में लोगों का शादी समारोह और अन्य कोई समारोह में शामिल होना चाहिए। शादी विवाह या अन्य कोई आयोग से संबंधित पूर्व में प्रशासन को सूचना देनी होगी। पहले सूचना नहीं देने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही उन्होंने कहा कि जिस जगह पर कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए जाते हैं उसी जगह को सील किया जाए और सैनिटाइज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज़।